वन कंटेस्टेंट सेड कि यार आसिम को इतनी पब्लिसिटी कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं तो मतलब मैंने भी बहुत कुछ किया. सो दे फॉरगॉट वन थिंग कि यू नो ऑडियंस के साथ कनेक्ट यहां से होता है, दिल से होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है. इफ आई लुक एट इट कि जो टॉप थ्री है बिग बॉस 13 के, जो सिद्धार्थ है, आसिम है और शिनाज है, वो राइटफुली टॉप थ्री है बिकॉज वो कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप है और सब बोल रहे हैं और सबको टेंशन थी और सब बातें. That's what yesterday I was saying. अगर आपके अंदर इतना टैलेंट था, इतनी टैक्टिक्स थे, I wonder why didn't you do anything inside the show? आप ये जो बाहर आके ऐसी टैक्टिक यूज करके पब्लिसिटी कर रहे हो, मीडिया में रहने की कोशिश कर रहे हो, शो के अंदर क्यों कुछ नहीं करा? आसिम डे वन से कुछ नहीं था एंड उसे वहां तक फाइनलिस्ट तक पहुंचा. शहनाज को बोलते थे नहीं आई हुई लड़की, ये वो कहां से कहां पहुंच गए. एंड सिद्धार्थ वॉज ऑलरेडी यू नो काइंड ऑफ कबीर सिंह, तो उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी. तो मुझे मुझे पता क्या लग रहा था कि देखो बाहर जब निकले ये लोग तो मेरे कमेंट सुनने में आया था कि यू नो वन कंटेस्टेंट सेड कि यार आसिम को इतनी पब्लिसिटी कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं तो मतलब मैंने भी बहुत कुछ किया. सो दे फॉरगॉट वन थिंग कि यू नो ऑडियंस के साथ कनेक्ट यहां से होता है, दिल से होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, वो इतने बड़े टाइम पीरियड में बन जाता है और आपकी जो असलियत है वो बाहर आ जाती है. बाहर आके आप ये सोच रहे हो कि पब्लिक क्यों नहीं कनेक्ट हुई. अब ऑफकोर्स खुद इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट डू यू वॉन्ट टू इंट्रोस्पेक्ट, डू यू वॉन्ट टू रियली सी द शो, हाउ वॉट कैन ऑफ मैसेज यू आर गिविंग दे दीज पीपल, यू नो दे डोंट हैव अ स्पाइन, दे आर स्पाइनलेस. एंड आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग दैट जितने भी सिड के फैंस हैं और शहनाज के फैंस हैं, दीज पीपल नेवर टेक एन इनिशिएटिव ऑफ अब्यूजिंग फर्स्ट. दीज पीपल आर अब्यूजिंग देन, वो कोई सती सावित्री नहीं है हमारी रश्मि की तरह कि वो जवाब नहीं देंगे. So obviously they give back you answers. मुझे ये लगता है जो तीनों, I would not single out Siddharth and Shinaz. I will say कि जो तीनों है ना, क्या है कि इनके एक तो बहुत बड़े फैंडम्स और इन बड़े फैंडम्स में अच्छी चीज ये है कि कुछ लोग, इनफैक्ट सिद्धार्थ शुक्ला के फैंडम्स मुझे लाइक नहीं करते, बट आई रियली लाइक कपल ऑफ फैन क्लब ऑफ सिद्धार्थ अ लॉट. और मुझे जो सिद्धार्थ ने भी और जो आत्म और शिनाज ने जिस तरह हैंडल किया ना सोशल मीडिया बाहर निकल के, आई लव इट. एंड क्या होता है, आप शो में किसी को देखते हो, ऑफकोर्स आप रिएक्ट करते हो कि वो कैसा, उसको कैसा दिखाया जा रहा है एडिट में, आप उस पर रिएक्ट करते हो, बट यू सी कि वो बंदा सोशल मीडिया पे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है या कैसे बोल रहा है, कैसे कंडक्ट कर रहा है. और इमेजिन इतने बड़े फैंडम्स हैं और ये लोग कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, तो ऑफकोर्स उनके जो फैंस है वो भी यू नो दे आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस. आसिम वाज लाइक, मैंने खुद उनका फर्स्ट डे पे अकाउंट देखा था, उनके अराउंड 10,000 या 11,000 फॉलोअर्स ही थे सिर्फ. And it came out to be so big after that fandom increase completely for Aasim. So, दिख रहा है ना चीज हम लोग को. And Siddharth social media में था ही नहीं. Siddharth is a very private person, जितना मैं उनको जानती हूँ. उनको Facebook वगैरह इंस्टा पे पोस्ट तक नहीं करने आता है. So, he is that kind of a person. And उनका जिस दिन उन्होंने बिग बॉस में एंट्री करी उस दिन उनका अकाउंट इंस्टाग्राम पे उनके PR ने बनाया था. And that also had around 20-25,000 followers only. उनके जो पी आर ने जितनी पॉजिटिविटी फैलाई है, आई नो पर्सनली बिकॉज आई सीन दोस फैन क्लब्स, कपल ऑफ फैन क्लब्स आर सुपर, बट आसिम और शहनाज का तो मतलब ऑफिशियली तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कभी कि पीआर है, बट तीनों का मैं कहता हूँ, तीनों के जो फैंडम्स हैं, जब वो अंदर कोई इंसान होता है तो वो ये भी नहीं बताएगा कि बजट इंक्रीज कर दो, आज मिलियन का ट्रेंड करवाना है. एंड आई हैव सीन पीपल पैशनेटली ट्रेंडिंग, आई हैव सीन पैशनेटली पीपल ट्रेंडिंग. आपको मैं भी एग्जांपल देती हूं, लाइक आई एम नॉट ऑन ट्विटर, लाइक देयर इज वन स्मॉल अकाउंट व्हिच माय पीआर हैंडल्स, उन्होंने अभी नीचे रिसेंटली बनाया था. सो यस्टरडे व्हेन आई गेव अ इंटरव्यू ऑन फिल्मी बीट, all Shahnazians and Sidnazians have cropped that video and they are completely making it viral. So maine to unko bola nahi, main to unko janti bhi nahi hu, main to kuch wo meri bhai piano mein ko bataya. So I was like okay, these people they do it on their own because whenever they find there is some truth in something, wo apni marzi se kar rahe, matlab Paras ye sab karwata hoga isliye usko lag raha hai dusre bhi aisa karwate hain. Nahi yaar, die hard fans hai. The thing is ki अगर ऐसा होता तो लोगों की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेंडिंग नहीं होती. ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर इज नॉट दैट इजी. आप पैसे लेकर प्रमोट करके ट्रेंड नहीं कर सकते. अगर कोई पैशनेटली शो देख रहा है, फॉलो कर रहा है, उसको पता है यू नो क्या क्या रिएक्शन है, किस पर्टिकुलर सेंटीमेंट पे क्या बोलना है, इतनी सारी एवीज. एंड द पॉइंट इज, आई थिंक हाउ वी कैन कंक्लूड दिस डिस्कशन इज कि अगर वो होता है ना, अंगूर खट्टे होते हैं. Exactly. अब क्या, अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भाई कितना भी बच लो खंबा नीचे.